किरदार था अभी जिक्र किया आपकी आपकी एजी ने दाना साहिबा ने कि ही वॉज ऑनेस्ट एंड अपराइट. ही वॉज नॉट ओनली ऑनेस्ट एंड अपराइट, जो ऑपोनेंट्स थे उनके वो क्या करते थे, ही वॉज द मोस्ट अपराइट पॉलिटिशियन इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट. और ये किरदार ही था उनका जिसकी वजह से वो कभी जेल नहीं गए. ये आपने एतराज़ बहुत रिसेंटली अभी सोशल मीडिया में सुना होगा कि फला 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 9 साल 12 साल 13 साल जेल गए इसलिए कि उन्होंने कानून तोड़ा. और वो लोग थे जो अपनी मोरल अपनी पर्सनल लाइफ में मोरली पर्सनल लाइफ में वो ख़राब लोग थे. इट इज़ स्टैनली वुल्पर्ट ने उनकी सवाने में लिख दिया है, ये बात प्रूवन है कि वो मोरली करप्ट थे, मोरली ख़राब लोग थे और उन्होंने कानून तोड़ा और जेल भी गए. लेकिन कायद आज़म को जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, अल्लामा इकबाल को कायद आज़म को जेल जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो मोस्ट अपराइट थे. तो जो आदमी अपराइट होता है उसकी बात मानी भी जाती है. और जब आगा खान जो के फाउंडर हैं मुस्लिम लीग के, जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि हम लोग की लैंडेड जेंट्री हमारी इतनी लैंड है हमारी सब कॉन्टिनेंट में और डिफेंस में हमारे लोग इतने होते हैं, तो उन्होंने बात मान ली. तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा सीटें दी थी आपको रिप्रेजेंटेशन की और सेपरेट इलेक्टोरेट्स मान ली. जब हमारी बात मान ली तो हम जेल क्यों जाएं? जब हमने उनसे आर्गू किया ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड रीजंस और हमारी बात ब्रिटिश ने मान ली और हमें फेवर कर दिया, तो व्हाई शुड अल्लामा इकबाल और आगा खान जो थे करंट आगा खान के दादा, व्हाई शुड ही हैव टू गो टू द जेल? जेल तो वो जाएंगे ना जो रोड पर निकले कानून तोड़ रहे थे. तो कायद आज़म के जो किरदार था वो ही वॉज अ living personification of the four-way test.